हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों को सफ़ेद मोती जैसा चमकाना। बहुत सारे लोग जिनके दांत येलोविश वाइट होते हैं या फिर पीले रंग के होते हैं या वाइट वाइट पैचेस से धब्बे हो जाते हैं, येलो रंग के धब्बे हो जाते हैं, वो सब लोग यही चाहते हैं कि उनके दांत है वो मोती जैसे चमकने लग जाए। जब भी कोई ऐड देखते हैं टीवी पे और वहाँ पे ऐसे मोती जैसे दांत दिखाते हैं तो सोचते हैं हमारे दांत भी ऐसे हो। किसी को सामने या किसी फ्रेंड के वाइट रंग के टीथ देखते हैं तो सोचते हैं हमारे दांत भी इतने ही चमकने जैसे हो, इतने सुंदर हमारे दांत हो। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो इसी पे है कि ये जो सफ़ेद मोती जैसे दांत है वो कैसे करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो दांतों का मेन कलर होता है वो होता है येलोविश वाइट, यानी कि हल्के पीले रंग के दांत होते हैं। हल्का पीलापन दांतों में होता है, उनका जो ओरिजिनल कलर है वो यही है। एकदम वाइट मोती जैसे जो दांत होते हैं वो बहुत कम लोगों के होते हैं, यानी कि कुछ लोगों के ही वाइट रंग के दांत होते हैं। जनरली सब लोगों का जो कलर है दांतों का वो यही होता है, येलोविश वाइट। तो लेकिन हम जब भी टीवी में ऐड देखते हैं या कहीं किसी के दांत वाइट देखते हैं तो हमारा मन यही करता है कि हमारे ये वाइट रंग के दांत हो। मैं आपको पर्सनली एडवाइस यही दूंगी कि आपका जो नेचुरल कलर है वही रहने दीजिए। आपको आर्टिफिशियल तरीक़ों से अपने दांतों को वाइट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपके दांत है वो मोतियों जैसे वाइट लगे, जैसे आपने फिल्म में किसी हीरो के देखे या एक्ट्रेस के देखे, आपने ऐसे आप अगर खुद ऐसे दांत चाहते हो तो उसके लिए मैं कुछ आपको तरीका बता रही हूँ। उसके लिए आपको वेनिरिंग या लेमिनेट्स लगवाने होंगे अपने दांतों पे। लेमिनेट्स या वेनिरिंग का मतलब होता है दांत की जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उसको हम 1 mm तक रिड्यूस करते हैं। उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के बाद उसका इम्प्रेशन लिया जाता है और इम्प्रेशन को लेब में भेजा जाता है और लेब से वेनिर्स यानी कि लेमिनेट्स बन के रेडी हो जाते हैं और उन्हीं लेमिनेट्स को पेशेंट के मुंह में लगा दिया जाता है। जिस वो जो लेमिनेट्स बनाते हैं उनकी शेड होती है, जैसे अगर आपको वाइट एकदम वाइट चाहिए मोती जैसे तो A1 शेड लगाते हैं, अगर आपको हल्का सा नेचुरल कलर चाहिए तो A2 शेड लगाते हैं। तो इस टाइप के शेड्स होते हैं, या फिर कभी कभी आपको अपने पास वाले दांत का कलर चाहिए तो उसके लिए हम लोग उसके मैचिंग की शेड लगाते हैं जिससे एकदम नेचुरल और ओरिजिनल लगे आपका दांत। तो ये जो लेमिनेट्स है इन्हीं से आपके दांत है वो वाइट एकदम मोती जैसे लगने लग जाते हैं जब आप ये ट्रीटमेंट करवाते हो। तो अगर आपके दांत येलो है और आप चाहते हो एकदम वाइट मोती जैसे करने तो आप लेमिनेट्स लगवा सकते हो। इसके अलावा आप कैपिंग भी करवा सकते हो, जैसे जिरकोनिया की कैप होती है, वो मेटल फ्री कैप होती है और उसमें एकदम नेचुरल जैसा लुक दे देते हैं। लेब में जैसे हम तैयार करने के लिए भेजते हैं इम्प्रेशन को तो वो एकदम नेचुरल जैसा लुक दे देते हैं, जिससे किसी को भी ये नहीं लगता कि ये आर्टिफिशियल केप है क्या। उसको भी आप A1 शेड मोती जैसा कलर जिसको हम बोलते हैं एकदम वाइट रंग का आप बनवा सकते हो। तो अगर आप इस टाइप के अपने दांत चाहते हो एकदम वाइट रंग के तो आप केप करवा सकते हो और वेनिर करवा सकते हो। इनके अलावा अगर आप अदर ट्रीटमेंट करवाते हो उससे आपके दांत मोती जैसे वाइट नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें आपके नेचुरल, अगर आप स्केलिंग करवाते हो तो कैलकुलस हटता है तो उससे जो आपके नेचुरल दांत होता है वही रहता है। अगर आप ब्लीचिंग करवाते हो तो उसमें हल्की लाइटनिंग आती है लेकिन एकदम वाइट रंग नहीं होता। तो कैपिंग और वेनिरिंग एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आप अपने दांतों को वाइट कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी पर्सनली एडवाइस आपको यही दूंगी कि अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई आपके दांत है वो टूटे हुए नहीं है, घिसे हुए नहीं होते, ऐसे कंडीशन में आप अपने ओरिजिनल दांतों को ख़राब मत कीजिए, उनमें आर्टिफिशियल केप या वेनिर नहीं लगवाइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, आप किसी को मतलब किसी फिल्म इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हो या फिर ग्लैमर में जाना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने आर्टिफिशियल दांतों को वाइट करवा सकते हो, मोती जैसे दिखाने के लिए लेमिनेट्स या कैपिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आप नेचुरल रखना चाहते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।